हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मिक्स वेजिटेबल बनाना सीखेंगे। इसलिए हमने ऑयल को गर्म होने कर रख दिया। अब इसमें हम जीरा डालेंगे, अब हम इसमें लाल मिर्च, हरी मिर्च डालेंगे। अब हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे। थोड़ा सुनहरा होने तक भूनेंगे। अब देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही आलू गोभी और गाजर को हल्का फ्राई कर लिया है। आप इसे मटर भी डाल सकते हैं। आज मेरे को मटर नहीं डालना था तो नहीं डाला मैंने। मटर हम अपनी सब्जी को प्याज से मटर हमसे भून रहे हैं। अब हम तो हम टमाटर को डाल कर भी यहाँ पे हम थोड़ा जैसे नमक डाल देंगे, जिससे कि हमारा प्याज टमाटर अच्छे से पक जाए और जल्दी पक जाए। ऐसे ही हम इसे पकाते रहेंगे। यहाँ पे हमने जिंजर गार्लिक और ब्लैक पेपर को हल्का सा कूट लिया है। इसे हम डाल देंगे अपनी सब्जी में। अगर हम ऐसे हमें ब्लैक पेपर को एकदम पूरा नहीं ग्राइंड करना है, इसे हल्का सा दर दर है कूट कर ही डालते, जिससे कि सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, फ्लेवर अच्छा आता है सब्जी में। पका लेंगे अच्छे से। देख सकते हैं कि हमारा जिंजर गार्लिक और ब्लैक पेपर अच्छे से भून गया है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें मसाला डाल देंगे। मसाले में हमने जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, टेस्ट के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला लिया हुआ है। जिसे हम डाल देंगे इसमें सब्जी में और हल्का सा इसमें पानी डालेंगे, जिसे भूनेंगे। हमने अपने फ्लेम को स्लो कर दिया है। हाँ फ्रेंड, इसमें मैंने इलायची को भी कूट कर डाला हुआ है। इलायची भी कूट कर डाल दें। ऐसे ही हम अपने मसाले को भून लेंगे। मैं देख सकती हूँ कि हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसमें अपनी सब्जी को डाल देंगे और उसको और हमें सब्जी में 3 से 4 टमाटर ऐड किया है, आपको भी इतना ही डालना होगा। तो हमारा मसाला अच्छे से भून गया और मैंने इस सब्जी में 3 से 4 टमाटर डाला है, जिससे कि सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें अपनी सब्जी को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे।
मसाला डाल, इसमें पानी हम डाल देंगे। फिर ढक कर स्लो फ्लेम पकाएंगे अपनी सब्जी को। हमारा सब्जी कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इसमें धनिये की पत्ती डाल देंगे। इसे स्लो फ्लेम पे हम पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे ढक कर हम स्लो फ्लेम पर पका लेंगे 10 मिनट तक। अपनी सब्जी में थोड़ा सा एवरेज चिकन मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे, देख सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं कि हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें हम धनिये की पत्ती डाल देंगे और अपनी सब्जी को हम बंद कर देंगे अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।